आज हम सुनेंगे बैशाख मास में हर रोज सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में भाई, भाभी और एक ननद थी। भाभी और ननद एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। ननद की अभी शादी नहीं हुई थी और भाभी का अपनी नंद पर इतना प्यार था कि वह हमेशा उसे अपने साथ ही रखती थी। वह जहां भी जाती अपनी ननद को साथ ही लेकर जाती थी। बहू को अभी कोई बच्चा भी नहीं था, तो दोनों ननद भाभी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। एक समय की बात है, बैसाख का महीना आया तो भाभी रोज सवेरे उठकर प्रथम स्नान करती, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा करने के लिए मंदिर जाती और पीपल पर जल चढ़ाकर आती थी। ननद भी अपनी भाभी के साथ ऐसा ही करती, मतलब पूजा करने जाती और पीपल पर जल चढ़ाकर आती। भाभी पूजा करने के बाद पीपल देवता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती और कहती, हे पीपल देव, मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करो। वहीं पर नंद अपनी भाभी को देखकर पीपल देवता से यह वरदान मांगती कि हे पीपल देव, जो भी मेरी भाभी ने मांगा है वह मुझे भी मिले। इस तरह पूरे बैसाख के महीने में दोनों नंद भाभी पीपल पर जाती, जल चढ़ाती और पीपल सींच कर आती थी। धीरे धीरे बैसाख का महीना बीत गया। पीपल देवता नंद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन सोचने लगे कि नंद को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद कैसे दूं? उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, वह कवारी है। अगर मैंने इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया तो ये और मुसीबत में पड़ जाएगी और इसकी बहुत बदनामी होगी, और अगर मैंने इसे वरदान नहीं दिया तो इसकी आस्था मुझ में कम हो जाएगी। यह सोचकर पीपल देवता ने नंद को भी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। कुछ दिनों के बाद भाभी गर्भवती हो गई तो ननद को भी एक फलत पड़ गया। ठीक 9 महीने बाद भाभी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और इधर पीपल देव के आशीर्वाद से नंद को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब भाभी ने ननद के पास एक पुत्र को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और भाभी ने ननद से इसके बारे में पूछा। भोली भाली ननद ने भाभी को पीपल वाली सारी बात सच सच बता दी। उसे सुनकर भाभी बहुत परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को इन सब के बारे में पता चलेगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा और ननद की बहुत बदनामी होगी, और फिर इससे शादी भी कौन करेगा? अब मैं क्या करूं? भाभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर बहुत सोचने के बाद भाभी ने ननद से कहा कि तुम इस सब के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। और उसने खुद भी सभी को यही बताया कि उसके जुड़वा बच्चे हुए हैं। यहां तक कि यह बात भाभी ने अपने पति तक को यह बात नहीं बताई। अब भाभी दोनों बालकों का अपने ही पुत्रों के समान लालन पालन करने लगी। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी और जाते हुए अपनी नंद से कह गई कि ननद रानी, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। भाभी के जाते ही उसमें से जो ननद का बेटा था वो रोने लगा। ननद ने उसे अपने गोद में उठा लिया और बोलने लगी, बिना बाप का कांधा बोल कहां से आया। वो यही बात बार बार ऐसे ही बोले जा रही थी, तभी उसका भाई वहां पर आ गया और उसने अपनी बहन की सारी बातें सुन ली। उसने उस समय तो अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसने सोचा यदि मैं बहन से इसके बारे में कुछ पूछूंगा तो वह बहुत शर्मिंदा हो जाएगी। तभी उसने सोचा कि जब मेरी पत्नी कुएं से पानी भरकर आ जाएगी तब उससे ही इसके बारे में पूछूंगा।
थोड़ी देर के बाद जब उसकी पत्नी कुएं से पानी भरकर आ गई तो उसने उससे पूछा, सच सच बताओ कि मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही थी। पहले तो भाभी ने इस बात को टालने की बहुत कोशिश की, परंतु जब उसके पति ने डांट कर पूछा कि सच सच बताओ क्या बात है, मुझसे कुछ मत छुपाओ, तब भाभी ने सारी बात विस्तार से अपने पति को बता दी। ये सब बातें सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसी पीपल देवता के पास गया जहां पर ननद और भाभी पूरे बैशाख में पूजा किया करती थी और जल चढ़ाया करती थी। वहां जाकर वह पीपल देव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे देव, आपने ये क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, पर आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। और ऐसा कहकर भाई उसी पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल देवता को उस पर दया आ गई। तभी देखते ही देखते वह पीपल का वृक्ष दो भागों में बट गया और वह नन्ना सा बालक उस पेड़ में समा गया और इसके बाद पीपल पहले की तरह जुड़ गया। लेकिन वहां बने हुए चबूतरे में एक गहरी दरार पड़ गई। गांव वालों ने अगले दिन जब वह दरार देखी तो तरह तरह की बातें बनाने लगे। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग भी उन बातों को भूल गए और उन्होंने उस दरार के बारे में बातें करना भी छोड़ दिया। और इधर भाई भी अपनी बहन के वास्ते एक सुयोग्य वर की खोज में लग गया। भाई और भाभी ने अपने घर पर हवन कराना चाहा। सब मेहमानों को बुलाकर हवन की तैयारी करने लगे। सभी गांव वालों को और पंडित जी को, सभी को बुलाया और पंडित जी ने आकर हवन करना शुरू कर दिया। हवन के लिए वेदी तैयार कर ली गई और अब जब हवन कुंड में अग्नि जलाने की बात आई तो अग्नि जल ही नहीं रही थी। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उसमें बहुत सारा घी डाला गया, लेकिन फिर भी अग्नि प्रकट नहीं हुई। ऐसा देखकर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वे सब सोचने लगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और भाई से कहने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ बात भूल गए हो या तुम किसी को आमंत्रित करना भूल गए हो। यह सब सुनकर भाई कहने लगा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो सभी को बुलाया है। हजार कोशिश करने के बाद भी हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब एक योग्य पंडित को बुलवाया गया। वे पंडित सभी वेदों के ज्ञाता थे, उन्हें सारी बात विस्तार से बताई गई। तब पंडित जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ देर के बाद आंखें खोलकर उन्होंने बताया कि तुम्हारा तो भांजा रह गया है जिसे तुमने हवन में निमंत्रण नहीं दिया है, उसे बुलाओ, तभी हवन होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। तब भाई कहने लगा, पंडित जी, मेरे तो कोई भांजा ही नहीं है, मेरी बहन का तो अभी तक विवाह ही नहीं हुआ है। तब पंडित जी ने भाई से कहा, ठीक से याद करो, तुम अपने भांजे को पीपल देवता को समर्पित करके आए हो, उसी भांजे को बुलाना पड़ेगा, तभी हवन संपन्न हो पाएगा। तब भाई ने विवश होकर पंडित जी के सामने पूरे गांव को वह संपूर्ण कथा विस्तार से बता डाली, जिसे सुनकर पंडित जी ने कहा, इसमें तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई दोष नहीं है, यह तो सब पीपल देवता की कृपा का फल था। तुम्हारी बहन ने सच्चे हृदय से पूरे वैशाख मास में पीपल देवता की पूजा की, उन पर जल चढ़ाया और उन्हें सींचा, तो उसने सच्चे मन से जो भी मांगा पीपल देवता ने उसे पूरा किया। इसमें तुम्हें या तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम फिर से पीपल देवता के पास जाओ।
ऐसा सुनकर वह भाई सभी गांव वालों के साथ ढोल नगाड़े लेकर उसी पीपल देवता के वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां पहुंचकर सभी ने बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ पीपल देवता का पूजन किया और सभी गांव वालों ने उस भाई के साथ पीपल देवता से उस बालक को वापस लौटाने की प्रार्थना की। पीपल देवता ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी के साथ ही पीपल देवता का वह वृक्ष जो पहले दो भागों में बट गया था, पहले की तरह फिर से एक तेज आवाज के साथ दो भागों में बट गया और देखते ही देखते उसमें से वही बालक वापस आ गया। अपनी आंखों से यह सब दृश्य देखकर गांव वालों को उस भाई की बात पर यकीन हो गया। भाई सहित सभी गांव वालों को यह पूरा विश्वास हो गया कि पीपल देवता की कृपा से ही उस लड़की को यह बालक वरदान में मिला था। तब सभी ने प्रसन्न होकर पीपल देवता का धन्यवाद किया और पीपल देवता का पूजन किया। दूध और जल मिलाकर पीपल देव को सींचा और उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी उसी घर पर वापस आ गए जहां पर हवन हो रहा था। एक बार फिर से हवन कुंड में अग्नि जलाने की कोशिश की गई और इस बार बिना किसी बाधा के हवन कुंड में अग्नि जल उठी। तब बड़ी ही धूमधाम से हवन संपन्न हुआ और भाई ने भी बहुत ही खुश होकर सभी गांव वालों को मिठाई खिलाई और भोजन कराया और सभी से यह प्रार्थना भी की कि बैशाख माह में पीपल देवता की पूजा किया करें, पीपल देवता को सींचा करें, जिसकी जैसी कामना होगी पीपल देव उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। और तभी से गांव के सभी लोगों ने वैशाख माह में पीपल देव का पूजन और पीपल देवता को सींचना शुरू कर दिया। हे पीपल देव, आप तो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सो इस कथा को कहने और सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सभी के दुखों का हरण करना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।